नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वरियम में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट जो है आप लोग का, देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 6 का कंप्लीट हो चुका है। अब लेवल 5 का जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। अब देखिए, इसका डीबी आप लोग का प्रोसेसिंग में है और करीबन जो है इसके अंदर लगभग 34,000+ वैकेंसीज हैं। तो अगर ये वैकेंसीज फुलफिल हो जाती है तो ये कैंडिडेट्स आरआरसी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम का जो फिजिकल है इसमें देने नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा आरआरसी ग्रुप डी के एस्पिरेंट्स का, क्योंकि आरआरसी में देखिए 1,00,000+ वैकेंसीज हैं और अगर 34,000 एस्पिरेंट्स जो है फिजिकल या फिर आप लोग की फर्दर प्रोसेस में नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पैनल लिस्ट बनेगी आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट की, इसमें जो एस्पिरेंट्स फिजिकल देने जाएंगे उनका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर कि कब तक जो है रिजल्ट जारी करा सकते हैं। तो आरआरसी के ऑफिशियल जवाब के अकॉर्डिंग जो है दिसंबर माह में जो है रिजल्ट आप लोग के आने की संभावना है। दिसंबर में आप लोग का 10 से 12 जो दिसंबर है ये डेट तक आप लोग का रिजल्ट 100% जारी हो जाएगा आरआरसी ग्रुप डी का। बाकी देखिए, जो फिजिकल की बात करें, पीईटी कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो जनवरी के मिड में आप लोग का पीईटी कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस जो है आप लोग को ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस जो है मार्च तक जो है कंप्लीट प्रोसेस करना है, पीटी का रिजल्ट देना है, इसके बाद जो है फाइनल पैनल लिस्ट निकालनी है, इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करना है। तो मार्च तक जो है कंप्लीट प्रोसेस करना है, तो इसके लिए दिसंबर जो है 10 से 12 दिसंबर के बीच में आप लोग का आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट आ रहा है। बाकी जो पैनल लिस्ट रहेगी वो आप लोग की पी अभी आप जो आप लोग की आएगी वो पीईटी के लिए होगी और उसके बाद जो है आप लोग की मेडिकल के लिए जो है लिस्ट निकाली जाएगी, मेडिकल और डीबी के लिए। और फाइनली जो आप लोग का जो सीट अलॉटेशन होता है, यानी आप लोग कौन सी पोस्ट मिली है ग्रुप डी के अंदर, वो आप लोग को मेडिकल कंप्लीट होने के बाद ही प्रोवाइड की जाती है। तो अभी आप लोग की ऐसे कुछ पैनल लिस्ट नहीं आएगी, पैनल लिस्ट जो है मेडिकल के बाद ही आती है, कि मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही जॉब को डिवाइड किया जाता है। 10 से 12 दिसंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर। अगर आप लोग आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम दिए हो और रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आप लोग का रिजल्ट इस डेट के बीचर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों, कोई भी अपडेट आएगी आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट के रिगार्डिंग आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।